नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दतिया, शासन की मंशा अनुरूप जिले में संचालित गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत कलेक्टर संजय कुमार ने जनपद पंचायत दतिया के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर अंतिम पांत के तहत गांव के अति गरीब परिवारों के घर पहुंचकर शासन की ग्राही मूलक योजनाओं का मिले लाभ एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा कर जानकारी ली। कलेक्टर कुमार ने ग्राम सहदोरा में ग्रामीणों के घर पहुंचकर परिजनों से चर्चा कर योजनाओं के मिले लाभ की जानकारी ली। कलेक्टर ने योगी परिवार से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत करने, गरीबों रेखा के सूची में नाम जोड़ने के जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देशित दिए। उन्होंने वृद्ध शांति देवी पत्नी जगदीश योगी को निराश्रित पेंशन योजना भी स्वीकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम औरीना में सरपंच निधि राजा परमार के साथ गांव का भ्रमण करते हुए गांव की अति गरीब परिवार मुन्नी पत्नी सुरेश सहरिया और राजेंद्र सहरिया के घर पहुंचकर उनका हालचाल पूछा और योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान ACO धनंजय मिश्रा, जनपद CO गिरिराज शरण दुबे, तहसीलदार नरेंद्र यादव आदि शामिल रहे। प्रशासन गांव की ओर सुशासन सप्ताह के दौरान हम लोग अभी सड़वारा गांव में हैं और सहदौरा और ये ग्रामवासी और सभी इस गांव के सबसे पांच गरीब परिवारों को ढूंढ रहे हैं और अभी दो परिवार मिले हैं, तीन परिवार मिले और उनके बीच बैठ कर करके उनके जिंदगी की दुश्वारियों को समझना, उनके जिंदगी को आसान करने के तरीके ढूंढना और देख रहे हैं और गरीब ढूंढ रहे हैं गांव में। ये गांव वाले मदद कर रहे हैं और किस परिवार के यहाँ जाना है अभी रात्रि में हम लोग बैठे हैं। मेरा बच्चा जी है, जी वाले लड़की है, वो वाला लड़का मायके में आई है। आज ही बना दो इनका BPL, कल पेंशन कर देते हैं। अंतिम पांच जो हमारा अप्रोच है जिले में दतिया में जो हम करते हैं कि गांव में, सोसाइटी में, समुदाय में जो सबसे अंतिम छोर पे रहने वाले लोग हैं वो ऐसे ही कुछ परिवार हैं जो दुर्भाग्य से पीछे रह गए और यहाँ आकर के एक्चुअल जो हमारी चैलेंज है, एक्चुअल जो संघर्ष है समाज का, वो दिखता है कि अभी भी कुछ परिवार किस प्रकार से लाइवलीहुड के लिए, जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ आकर के हमको एक दृष्टिकोण भी मिलता है कि वास्तव में अभी क्या क्या काम बाकी रह गया है। यहाँ से जो हम चेतना प्राप्त करते हैं वो हमको आगे भी काफ़ी दिनों तक ऊर्जा देता है और हमारे दृष्टिकोण को साफ करता है कि कई बार हमको अपने ऑफिसेज में बैठे हुए मुगालता हो जाता है और गांव में और ज़मीन पे, सतह पे, स्लम्स में, झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी वास्तव में कैसी है, कई बार हम भूलने लगते हैं। इसलिए ये हम सारे अधिकारियों को अभी भेजा हुआ पाँच दिनों के लिए दतिया जिले के लगभग सारे अधिकारी, लगभग ऐसे 100 अधिकारी गांव गांव जा रहे हैं, ऐसे परिवारों से संपर्क कर रहे हैं। इन परिवारों का भी थोड़ा भला हो जाता है और इस प्रकार से हमें एक वानगी भी मिल जाता है कि समुदाय के अंतिम छोर पे, अंतिम पात पे रहने वाले जो परिवार है उसकी हालात क्या। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये नाम क्या है तुम्हारे भैया का भाई यहाँ पे? लक्ष्मण गोसाई और सतीश गोसाई और एक परिवार और है नरेश। ये तीन परिवार हैं और सभी लगभग एक एक कमरे में रह रहे हैं। कमलेशी तो है ना एक भाई हमारा, क्यों किनारा क्यों लेता है वो? पेट पालना है तो सब करना है। हाँ ठीक है, लिखवा दे कमलेश। तो अभी हम लोगों ने तय किया है कि इस परिवार का नाम हम लोग गरीबी रेखा में जोड़ेंगे क्योंकि गोसाई परिवार से है, OBC में आते हैं, तो इनको अभी पात्रता पर्ची जो शासन की ओर से जो अनाज है वो भी नहीं मिल रहा है, तो अभी कर्मकार मंडल में इनका नाम जोड़ा गया है और गरीबी रेखा में तहसीलदार साहब जोड़ेंगे बिना, तो इनको पात्रता पर्ची जो निःशुल्क अनाज की जो पात्रता है हो जाएगी, परिवार को सहारा हो जाएगा। इधर जो खाली पड़ी ज़मीन है इसमें शौचालय बनवा देंगे तो जिससे इनकी जो जीवन का जो थोड़ा गौरव है, मर्यादा है, उसकी रक्षा हो पाएगी। और क्या मदद करेंगे? खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.